अम्मी थोड़ी थोड़ी पहले उदास थी 2-3 दिन, अभी ठीक हो ना? हाँ, ठीक है। हाँ, अब रूम में अब जो भी आए वो एकदम इसी तरह ठीक हो के जाए। अम्मी के चेहरे पे ऐसी मुस्कान आई है, नहीं तो अम्मी के तो होश उड़े थे फ्रेंड्स। और सुबह थे तब तो फिर अम्मी से कंट्रोल नहीं हुआ, फिर अम्मी बहुत रोई, लेकिन अम्मी ने फिर बहुत हिम्मत दिखाई, हमने समझाया। और सारे मामू लोगों के भी कॉल आ रहे थे, वो ये कह रहे थे कि आप अपनी तबीयत मत खराब कर लेना, नहीं तो फिर संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अम्मी की दुआ, आप सबकी दुआ, सारे रिश्तेदारों की दुआ से। जिसका था बेसब्री से इंतजार, आज माशाल्लाह वो दिन आ ही गया। शोएब इब्राहिम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि वो बेबी को लेकर जा रहे हैं अपने घर, जहां पर होगा दीपिका और बेबी का वेलकम। माशाल्लाह सबकी दुआएं काम आई, आज वो दिन बहुत बड़ा है शोएब और दीपिका की जिंदगी में। दीपिका की जब से डिलीवरी हुए करीब 20 दिन हो चुके हैं, दीपिका अपने बेबी के साथ हॉस्पिटल में ही रहे। इब्राहिम फैमिली में से किसी ने भी बेबी को नहीं देखा सिवाय दीपिका और शोएब इब्राहिम के, क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि बेबी को आईसीयू में रखा गया था। बेबी के ठीक होने की घर में सभी दुआएं कर रहे थे। आज माशाल्लाह बेबी को वो दुआएं लगी और बेबी ठीक होकर अपने घर आ रहा है। अब फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं बेबी को देखने के लिए। अब देखना यह है कि शोएब और दीपिका बेबी का फेस कब रिवील करने वाले हैं। फैंस नाम जानने के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। शोएब इब्राहिम का कहना है कि जैसे ही बेबी घर आता है तो वो सबसे पहले नाम रिवील करने वाले हैं। अब आपसे इजाजत चाहते हैं, वीडियो पसंद आए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।